Welcome to India News. I'm Ananya Dhyani, reporting from Brisbane, Australia. In today's segment, we will be discussing a rather sensitive issue that needs our immediate attention, the condition of widows in India. I'm honored to welcome the angel of Vrindavan, Dr. Lakshmi Vijay Gautam. She's a social worker from the state of Uttar Pradesh in India and is also the receiver of the Nari Shakti Puraskar and the Women Transforming India Award. Dr. Gautam is recognized for her contribution towards the welfare of the widows of Vrindavan and for defying orthodox beliefs and honoring the deceased widows with a dignified cremation ceremony. So let's hear more on this topic from the angel of Vrindavan herself. So, Dr. Gautam, mera aapse pehla sawal ye tha ki bahut bahut basic sa sawal ye main aapse puchna chahti hu kyunki aapka anubhav itne saal ka raha hai to मुझे ये एक आपकी दृष्टिकोण से ये बात मैं समझना चाहती हूँ कि आपके अनुसार आप आज की भारतीय नारी को किस प्रकार परिभाषित करेंगी? क्या वो दुर्गा का रूप है या वही आंचल में दूध और आंखों में पानी लिए समाज के दुर्व्यवहार को सहती हुई अबला भारतीय नारी? आपके विषय में आपके अनुसार क्या हो सकता है? देखिए, आज की जो भारतीय नारी है वो परिस्थिति के अनुसार अपने आप को बदलती रहती है जी। अबला तो मैं नहीं कहूंगी क्योंकि नारी सशक्तिकरण का समय है जी। वो यदि मर्यादा और त्याग और करुणा की मूर्ति है तो समय पड़ने पर वो काली का रूप भी धारण कर लेती है। जैसे हमारी आराध्या जो काली है उन्होंने असुरों का संहार किया था, उसी प्रकार भारतीय नारी समय पड़ने पर आज की भारतीय नारी अपने आप को उसी रूप में देखती है जो कि उसको उस परिस्थिति के अनुसार रूप होना चाहिए। केवल एक रूप में हम देखें कि वो अबला नारी है, उसके आंचल में दूध है और आंखों में पानी है जी। तो ये तो एक स्त्री का स्वरूप है, नारी शक्ति का स्वरूप है कि उसके आंचल में दूध, अपने संतति के प्रति जो स्नेह और वात्सल्य का रूप है वो हमेशा है और उसकी आंखों में जो एक लज्जा का और हया का जो एक जल होना चाहिए वो भी है, परंतु समय पड़ने पर वो एक शक्ति स्वरूपा के रूप में भी सामने आती है और वो शक्ति स्वरूपा परिस्थिति के हिसाब से अपना स्वरूप बदलती है। जहां तक मैंने आपके बारे में पढ़ा है गौतम जी, आपकी उम्र कहीं ज्यादा नहीं थी जब आपने ये कार्य शुरू किया था कि शायद आप मेरे से कुछ 2 या 3 साल ही बड़ी होंगी जब आपने इस कार्य के बारे में कुछ करने का प्रयत्न किया होगा। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि ऐसा क्या इंसिडेंट था, ऐसी क्या घटना थी जिसने आपको प्रेरित किया या जिसने आपको इंस्पायर किया कि इस जिसे कोई अपना नहीं रहा था हमारे सोसाइटी में या कि जिन्हें कोई नहीं अपनाएगा उन विधवा स्त्रियों को मैं? देखिए, वृंदावन की भूमि काना की भूमि है और मेरा जन्म यहीं का है, वृंदावन का। मेरे पूर्वजों का यहाँ 400 साल का इतिहास रहा है। मेरे स्वर्गीय पिताजी श्री कन्हैयालाल जी गौतम वृंदावन के तीर्थ पुरोहित थे और हमारे यहाँ मेरे घर में पश्चिम बंगाल से बहुत से यात्री आते थे दर्शनों के लिए भक्ति भाव को लेकर। तो उसमें बहुत सी महिलाएं ऐसी होती थी जिनके सर पर बाल नहीं होते थे, जो सफेद साड़ी में होती थी, बहुत दीनहीन सी, कृशकाय सी, कोई भी सुख सौभाग्य का मुझे चिन्ह नजर नहीं आता था, ना हाथों में उनके शंखा होता था, कड़ा होता था, और ना माथे पर सिंदूर होता था। तो मुझे बड़ा आश्चर्य बचपन में होता था कि महिलाएं 2 तरीके से क्यों रहती हैं। एक तरफ लाल पाड़ की साड़ी पहने महिला बड़ी सजी धजी सी, मांग में दमदमाता हुआ सिंदूर, उसके माथे पर बड़ी सी बिंदी, हाथों में शंखा चूड़ी। तो कई बार पिताजी से सवाल पूछा पर पिताजी बच्चा समझ के शायद मुझे झिड़क देते थे, परंतु थोड़ी बड़ी हुई तब पिताजी ने एक बार बताया कि ये विधवा स्त्रियां हैं और इनके पति का स्वर्गवास हो चुका है, इसलिए इनका इस तरीके का स्वरूप है। तब पहली बार मुझे लगा कि एक महिला विधवा होने के बाद इस तरीके के स्वरूप में क्यों रहती है, क्या उसकी अपनी स्वयं की कोई पहचान नहीं है, किसी की बहन नहीं है, किसी की बेटी नहीं है, या और भी रिश्ते, या फिर उसका स्वयं का कोई नाम नहीं है जो केवल उस मृत पति की पहचान उसकी विधवा के रूप में की जाती है। तो उस समय दिल में आया था कि कहीं ना कहीं यदि मैं कुछ करने लायक हुई तो ऐसी माताओं के लिए जरूर कहूंगी। और आपको बता दूं कि मुझे तो इस विधवा शब्द से ही परहेज है, सख्त नफरत है कि जिस शब्द को सुनने के बाद
समझने के बाद एक स्त्री की ऐसी तस्वीर हमारी आंखों के सामने आती है जिसे खुद उसका परिवार और समाज अपशकुन मानता है। तो ऐसी महिला की सम्मान के लिए, ऐसी महिला के अधिकार के लिए, सम्मान के अधिकार के लिए मैंने कई राष्ट्रीय मंचों से भी आवाज उठाई थी और कोशिश में हूँ, समाज को भी अवेयर करने की कोशिश करती हूँ कि ऐसी महिलाओं का कम से कम घर से ही हम सम्मान शुरू करें। परंतु बड़े दुख का और खेद का विषय है कि पश्चिम बंगाल, यहाँ आज भी दूर दराज के गांवों में जहाँ पर शिक्षा पूरी तरह से नहीं पहुँच पाई है, और दूसरे शब्दों में कहें कि कुछ शिक्षित परिवारों में भी, क्योंकि वृंदावन में जो माताएं मिलती हैं उनकी जब हम इतिहास जानते हैं तो हमें मालूम पड़ता है कि वो उनके परिवार में अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग हैं और वो वृंदावन की भूमि पर हैं, तो उनको परिवार से कहीं ना कहीं सम्मान नहीं मिला, उनको वो चीज नहीं मिली, उनका अधिकार नहीं मिला, तो वो वृंदावन की तरफ दौड़ आती है और यहाँ पर मैं उनकी बेटी या मैं उनकी बहन जिन्हें वो दीदी कह के पुकारती हैं या माँ कह के पुकारती हैं, तो उनके लिए मेरे दिल में हमेशा से रहा था। और 2011 और 12 में जब राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, जिसने वृंदावन में इन माताओं की स्थिति को जानने के लिए बहुत अच्छी पहल की, शुरुआत की, और उस सर्वेक्षण में मुझे एक अहम भूमिका मिली क्योंकि मैं बांग्ला भाषा बहुत अच्छे से बोल लेती हूँ और समझ भी लेती हूँ, तो इन माताओं के दिल की बात जानने का अवसर मुझे मिला। और उस अवसर में मैंने जाना इनकी सामाजिक स्थिति को, जाना इनकी पारिवारिक स्थिति को, जाना इनकी आर्थिक स्थिति को, जाना और जो समाज से इनको प्रताड़नाएं मिली, जो इनको इनके घर से प्रताड़नाएं मिली उनके बारे में जाना। बड़ा कष्ट होता है जब मैं उस इतिहास को सोचती हूँ, जब किसी माँ की कहानी को सोचती हूँ, तो आप विश्वास करेंगे कि जब मैं 2011 में ये सर्वेक्षण कर रही थी तो ऐसी ऐसी बातें आई कि मैं पूरी पूरी रात सो नहीं पाती थी। मुझे लगता था कि क्या समाज ऐसा भी होता है और ऐसा नहीं होना चाहिए। उसी समय कुछ चीजें ऐसी लगी कि जो माताओं को जीते जी सम्मान नहीं मिला वो मरने के बाद भी उनको नहीं मिलता, उनकी मृत्यु के बाद उनके शव का ससम्मान अंतिम संस्कार करना जो उनका एक मानवीय अधिकार है वो यदि नहीं मिलता है तो हमारे लिए बहुत बड़े दुख का विषय है। तो 2011 से ही मैंने संकल्प लिया कि जो माता अपने घर से हजारों किलोमीटर दूर वृंदावन की भूमि पर मोक्ष की कामना से आई है और उसकी मृत्यु वृंदावन की भूमि पर होती है, तो उसका परिवार का भले ही कोई ना हो परंतु उसकी ये माँ, उसकी ये बहन और उसकी ये बेटी उसका अंतिम संस्कार ससम्मान करेगी जो उसका हक है उस हक के साथ। नारी को देवी का स्थान दिया गया है जहाँ हम उसे पूछते हैं, पर क्योंकि वो अब किसी, क्योंकि जो उसके साथ जिंदगी भर जुड़ा था वो अब नहीं है, उसके बाद हम उसे जिस तरह से धिक्कारते हैं वो विश्वास नहीं होता कि कैसे हम कर सकते हैं। इसी पे मैं अपने अगले सवाल पे आना चाहती हूँ गौतम जी। गौतम जी, आप जिन कि आपके कार्य को इतने साल हो चुके हैं कि आपने जैसे कहा 2011 से ये कार्य करे आ रहे हैं, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि इतने सालों में ऑलमोस्ट 10 वर्ष होने वाले हैं, कि कुछ सुधार आया है या अभी भी ये जंग बहुत लंबी है? यहाँ भारत के अन्य राज्यों से महिलाएं और पुरुष और विशेषकर जो बुजुर्ग लोग हैं वो मोक्ष की कामना से आते हैं, और जब मोक्ष की कामना से यहाँ आते हैं तो उनके लिए आवास की व्यवस्था, उनके लिए भोजन की व्यवस्था, छत की व्यवस्था, दवाई की व्यवस्था और मरने के बाद अंतिम संस्कार की व्यवस्था, ये बड़ी आवश्यक होती है। सरकार व्यवस्थाएं कर रही है परंतु जब संख्या बहुत ज्यादा होती है तो उस व्यवस्थाओं में मुझे लगता है कि सरकार को भी कुछ समय चाहिए होता है। तो उस बीच का जो दौर होता है, या जिनको छत नहीं मिलती, या जिनको भोजन नहीं मिलता, या जिनको कपड़े नहीं मिलते, या दवा नहीं मिलती, या अस्पताल का इलाज नहीं मिलता, या मरने के बाद जिनको अग्नि नहीं मिलती, उसके लिए लक्ष्मी गौतम हमेशा तैयार है। इतना शायद लोगों तक ये बात पहुंचेगी कि ये बहुत ही जरूरी विषय है और इस पे बहुत जल्द ही कोई कार्य होना चाहिए, वरना क्या आपके पास सिर्फ वृद्ध और बूढ़े बूढ़ी महिलाएं आती हैं, या जो लाइक जिनकी कम उम्र होती है वो भी वृंदावन आती हैं
जब उनके हस्बैंड की या पार्टनर की जब डेथ हो जाती? देखिए, मैंने जब 2011 और दूसरा सर्वेक्षण 12 में किया था तो इनका एज ग्रुप भी मुझे बताना था, तो उसमें मोस्ट ऑफ 50 से अबव थी और लगभग 15-20% महिलाएं 30 साल के आसपास, 35 साल और 40 साल की भी थी। आपको एक, मैंने जब इस विषय में चिंतन किया और थोड़ा जानने की कोशिश की कि पश्चिम बंगाल में विधवाएं इतनी क्यों होती हैं और वहाँ की स्थिति इतनी क्यों खराब है, तो मैंने पाया कि वहाँ की जो एक प्रथा है, या उसे कुप्रथा कहेंगे, कि वहाँ आज भी 11 साल की बच्ची की शादी, 9 साल की बच्ची की शादी, 12 साल की बच्ची की शादी 50 साल के बुजुर्ग के साथ कर दी जाती है। वो बुजुर्ग ऑलरेडी पहले से दो बीवियों का पति, या उसकी बीवी मर गई होती है, या जो भी कारण हो, परंतु वो महिला 11 साल की, 12 साल की, 15 साल की, 18 साल की भी होगी बच्ची, और उसका विवाह 50 साल या 55 साल के किसी व्यक्ति से किया जाएगा, तो भारत में जो एक व्यक्ति की औसतन आयु है 70 वर्ष या 75 वर्ष, तो वो जब बंदा 70-75 का, या बीमारी से 60 साल की उम्र में जब वो खत्म हो जाएगा, उसका स्वर्गवास हो जाएगा, तो उसकी बीवी 25 साल की, उसकी पत्नी 25 साल या 30 साल की होगी। तो जो मुझे लगा, मैंने चिंतन किया, बहुत बारीकी से सोचा इस विषय में, और माताओं से जिनका मैंने सर्वेक्षण किया था उनसे भी जानकारी ली कि वहां विधवाओं की संख्या इतनी क्यों होती है, तो यही कारण निकल के आया। तो सबसे पहले हमें पश्चिम बंगाल में, देखिए वहां पर बहुत से समाज सुधारक भी, उन्होंने कोशिश भी की, विधवा पुनर्विवाह भी शुरू हुआ, ईश्वरचंद विद्यासागर जी ने तो अपने पुत्र का विवाह भी एक विधवा महिला से किया था। मैं बार बार विधवा शब्द बोल रही हूँ तो मुझे कष्ट हो रहा है अंदर से, पर क्योंकि ये संदेश जाना है इसलिए ये शब्द बोलना पड़ेगा। तो फिर भी अभी तक वहां पर वो शिक्षा का अभाव है, या वहां के लोगों में ये कुप्रथा इतनी घर कर गई है कि आज भी वो परंपरा जारी है। तो हमें पश्चिम बंगाल में ये एक कुप्रथा को रोकना होगा, और इसके लिए वहां की जो सरकार है, राज्य सरकार है, और वहां के जो समाज के लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, उनको इसके लिए बहुत सारा काम करना होगा। किसी एक व्यक्ति के, या 10 व्यक्ति के, या 100 व्यक्तियों के करने से ये काम नहीं होगा। ये काम तब होगा जब सरकार और जो वहाँ का समाज है जब मिलकर इस काम को आगे बढ़ाएंगे, तभी शायद वहाँ से जो कुप्रथा है कि महिलाओं की, बच्चियों की शादी इतने बड़े व्यक्ति से कर दी जाती, अभी कितना कम हुआ मैं नहीं जानती, परंतु रोक लगाने के लिए सबसे पहले ये काम करना होगा। और नारी शक्ति का जो एक सम्मान है, और जो विधवा होकर उसका अपमान है, उसको खत्म करना। जी जरूर, मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूँ, क्योंकि जहां तक हमें जानकारी है, इंडिया में ऑलरेडी ये लॉज है कि एक, जब तक वो बच्चा, जब तक वो लड़की या लड़का उस बालिक उम्र तक नहीं आ जाते कि वो लीगली वो शादी एक क्राइम होता है। हम एक 11 साल कि व्यक्ति को महिला भी नहीं कह सकते, वो बच्ची है, वो लड़की है, बच्ची है, बच्ची है, और उसको आप इस, मतलब ये सच में एक अपराध से बढ़कर है कि आप कैसे उस बच्ची की जिंदगी इस तरह से खराब कर सकते हैं। तो ये बात आप, भारत में कानून है कि विवाह हो रहा है, वहां के लोग अवेयर नहीं है, इसकी सूचना नहीं देते, तो कैसे अवेयरनेस आएगी? वो तो विवाह होगा और उसके बाद के जो कुपरिणाम होंगे वो भी सामने आएंगे। पूरे इंटरव्यू का वही तात्पर्य है कि लोगों तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि आज 21वीं सदी में भी ये होता आ रहा है, तो कहीं ना कहीं हम मनुष्य कहीं गलती कर रहे हैं, जहां लोगों तक हम ये बात नहीं पहुंचा पा रहे कि ये चीज गलत है और इसे रोका जाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं आपकी इस बात से जुड़ी हुई एक बात कहना चाहूंगी। आपने युवा पीढ़ी की जो बात कही कि युवा पीढ़ी यदि अवेयर हो, जागरूक हो, तो जो बच्ची 11 साल, 15 साल, 18 साल, 20 साल, 25 साल की उम्र में जिसका पति मर जाता है, स्वर्गवास हो जाता है, तो उसके परिवार वाले चाहे न चाहे, समाज चाहे न चाहे, परंतु यदि युवा पीढ़ी जागरूक है, तो ऐसी महिला से विवाह करने में यदि वो लोग आगे आएंगे, तो एक तो इनका सम्मान बरकरार रहेगा, और दूसरे इनको लगेगा कि हम समाज में अपशकनी नहीं है, हम परिवार के लिए अपशकनी नहीं है। परंतु विडंबना यही है कि कानून है हमारे यहाँ विधवा पुनर्विवाह का, परंतु उसका व्यावहारिक पक्ष बहुत कमजोर है।
मैंने कई बार कोशिश की कि ऐसे विवाह होने चाहिए, और आपको अवगत कराऊं कि पिछले वर्ष हमारे यहाँ वृंदावन में लोकल मैंने एक शादी ऐसी कराकर और एक संदेश दिया कि एक्सीडेंट में मृत हुए एक व्यक्ति के 3 छोटी छोटी बच्चियां थी, और मुझे लगता था कि वो अब अपनी बच्ची जिंदगी कैसे गुजारेगी, मुश्किल से 28 साल की उसकी उम्र थी। तो उसके परिवार वालों को मैंने जागरूक किया, लड़की को तैयार किया, उसके ससुराल वालों को जागरूक, मायके और ससुराल दोनों को जागरूक किया, और उस बच्ची की शादी उसके जो पति का छोटा भाई जिसको देवर बोलते हैं उसके से उस शादी कराई, और आज वो दोनों लोग बहुत खुश हैं। मेरा आपसे अगला सवाल ये है गौतम जी कि जब आपके पास ये महिलाएं आती हैं जिनके लिए जिन्हें उन्हें लगता है कि उनकी जिंदगी खत्म हो चुकी है, जब ये आपके आंचल में आती है, जब ये आपके आश्रम में आती है, तो क्या आप इन्हें बस इनकी बची हुई जिंदगी काटना सिखाती हैं या इनको अपनी बची हुई जिंदगी जीना सिखाती है, और अगर हाँ तो कैसे, कि आप कैसे उनको इंस्पायर करते हैं, उनको एक राह दिखाते हैं कि उनकी अभी भी जिंदगी बची है, कि वो आत्मनिर्भरता से खुद जी सकती हैं अपनी जिंदगी। देखिए, जिंदगी तो यदि उनको काटनी होती तो वो कहीं भी काट सकती थी, और मेरा अपना निजी कोई आश्रम नहीं है, पर मैं आश्रमों में सहयोग करती हूँ। बाकी मेरा जो अपना घर है, आपको कहा कि जिंदगी काटनी नहीं है, उनको जिंदगी जीनी है, और मेरे घर में इस समय एट प्रेजेंट भी जिस घर में मैं हूँ, मंदिर है, वहाँ 5 माताएं हैं, 2 बेटियां हैं, और एक दूसरा घर और है, वहां पर इस समय 12 या 13 माताएं रहती हैं। तो वो कैसे जिएंगी? अब देखिए, 70 साल या 75 साल की उम्र में वो कोई काम तो नहीं कर सकती है ना उसके लायक है, परंतु हाँ, आत्मसम्मान से और स्वाभिमान से वो अपनी जिंदगी को जिए, जिंदगी को गुजारे नहीं जिए, जिंदगी को व्यतीत करना या काटना नहीं, जिंदगी को कैसे जिया जाता है वो अपने संस्मरण जब बताती हैं कि विधवा जब वो हुई थी तो उनके परिवार वालों का और समाज का क्या रुख था उनके लिए, तो कष्ट होता है कि ये रुख कैसा, क्यों। तो यहाँ रहती हैं और मेरे साथ, मेरे किचन में, मेरे आंगन में, मेरे कमरे में, मेरे घर में, वो एक परिवार के सदस्य की तरह से ही अपनी बाकी जिंदगी को ससम्मान व्यतीत करती। कि खुद के रिश्तेदार या जो उनके अपने, वो उनको नकारते हैं, और आप आगे आके उनको लाइक आशा होगी कि जितने भी हमारे व्यूअर्स होंगे, जितने भी हमारे व्यूअर्स ये इंटरव्यू देखेंगे, कि उन्हें ये बात समझ आए कि चाहे हम 21वीं सदी में क्यों ना जी रहे हो, चाहे मैं खुद एक युवा हूँ और 21वीं सदी में क्यों ना हूँ, कि हमें लगता है ये चीजें खत्म हो चुकी हैं, बट भारत में अभी भी ये चीजें हो रही हैं, और हमें एकजुट होकर आकर इन चीजों को एक साथ मिटाना होगा, एक साथ इन्हें टैकल करना होगा, और एक नारी का सम्मान किसी भी हालत में, किसी भी स्थिति में कभी कम नहीं होना चाहिए। और जिस तरह से जब मैं जितना आपके वृंदावन एक ऐसी जगह है कि लोग सोचते हैं कि घर के बुजुर्ग, और वर्तमान में जो बुजुर्गों की स्थिति हो गई है कि वृद्धाश्रम खुल रहे हैं, परिवार के लोग और बेटे या बहू ही या पोते घर वृंदावन में छोड़ जाते हैं, आप विश्वास नहीं करेंगी, मेरे पास इतने फोन कॉल्स आते हैं कि हमारी दादी बूढ़ी हो गई है, हमारी बुआ बूढ़ी हो गई और हम वृंदावन में आपके पास छोड़ना चाहते हैं, क्या व्यवस्था है। बहुत से लोग तो धन का भी लोभ देते हैं मुझे, तो मैं यही कहती हूँ कि मैं नौकरी नहीं करती हूँ, सेवा करती हूँ। इन माताओं के लिए मैं नौकर नहीं हूँ, मैं इनकी बेटी हूँ और इनकी सेवा करती हूँ, ये मेरा फर्ज है, ये मेरा कर्तव्य है। और बहुत सी माताएं जो खुद भी परेशान होकर घर से छोड़ के आ जाती हैं, तो पुलिस मुझे बताती है कि बहन जी, ये मैडम, ये महिला आ गई है, इनके लिए क्या करना है। तो मैं उनसे बातचीत में, वो अपने घर वापस नहीं जाना चाहती, घर के लोगों का पता भी नहीं बताती, कभी बातचीत में 2 दिन 4 दिन में उनके गांव का या उनके शहर का पता लगा लेती हूँ, फिर मोहल्ले का पता लगा लेती हूँ बातचीत में, अपनी बातचीत की तरीके से, और फिर वहाँ चौकी पर बात करके उनके परिवार वालों को भी बताती हूँ, तो परिवार वाले कहते हैं कि अरे वो अपनी इच्छा से गई है, हम क्या कर सकते हैं। परंतु मेरी कोशिश ये रहती है कि कैसे भी वो अपने घर वापस चली जाए, क्योंकि एक घर की बुजुर्ग महिला, एक वृद्ध माता जो अपने परिवार के सदस्यों के साथ प्रसन्न रह सकती है, खुश रह सकती है, संतोषजनक तरीके से रह सकती है, वो मैं कितना भी उसकी सेवा करूं, उसको कितना भी अच्छा खाना दूं, अच्छी परवरिश दूं, अच्छी सेवा करूं, परंतु वो सुख से अपने बच्चों के साथ और अपने परिवार के सदस्यों के साथ जो मिलता है वो मेरे साथ शायद कम मिले। तो पहली कोशिश मेरी यही होती है कि वो अपने परिवार में लौट जाए,
बहुत सी माताएं ऐसी हैं जो 2 महीने मेरे यहाँ रही, 4 महीने ये रही, और फिर मैंने कोशिश करके उनके बच्चों की काउंसलिंग करके, इसमें मैं पुलिस की भी मदद लेती हूँ, वहां की पुलिस की भी मदद लेती हूँ, थोड़ा सा भय भी दिखाना पड़ता है कि आपके बुजुर्ग हैं, आपको इनको रखना चाहिए, नहीं तो कोर्ट में कुछ हम लोग इसके लिए लिखेंगे। तो अब पर मैं उनसे पर्सुएशन भी रहता है, मैं उनसे बातचीत भी करती हूँ, उनका नंबर मेरे पास रहता है, तो वो बताती हैं कि इतना प्रभाव पड़ा आपकी बात का कि आज हम अपने घर में खुश हैं, बच्चे सेवा कर रहे हैं, बच्चे बात मानते हैं। तो समस्या ये नहीं कि वो वृंदावन आ गई और फिर यहीं बस जाएं, परंतु वो अपने घर लौट जाएं, ये भी कोशिश रहती है। और यदि कोशिश में मैं सफल नहीं होती हूँ या वो माँ नहीं लौटना चाहती तो मैं जबरदस्ती भी नहीं भेजती हूँ। तो मेरे घर के दरवाजे 24 घंटे खुले हैं, मेरे घर का आंगन उनके लिए हमेशा उनका अपना आंगन है, मेरा मंदिर उनका मंदिर है, मेरी रसोई उनकी रसोई है, तो वो रहती है यहाँ पर। ऑफ कोर्स आपको इनके साथ एक इमोशनल अटैचमेंट होता होगा क्योंकि आपके साथ रहते हैं, और जहाँ तक मैंने पढ़ा है कि आप इनका बखूबी बाइज़त आप इनका दाह संस्कार करते हैं, तो और मैं ये भी समझ सकती हूँ कि आप अब तक ये काफी कर चुके होंगे, तो इसका आप पर कोई प्रभाव पड़ता है क्योंकि आप इतना दे रही हैं, मतलब किसी की मदद के बिना कुछ भी आप बस दे ही रही हैं, आपको कभी इमोशनली ऐसा फील होता है कि शायद काश चीजें थोड़ी अलग होती? नहीं, मैं अलग तो हूँ, अलग नहीं हूँ। आपने तो भी कहा कि बहुत कम लोग ये जानते हैं, बहुत कम लोग ये करते हैं, तो अलग तो हूँ। और शायद पूर्व जन्म का इन माताओं के साथ या इन बेटियों के साथ कोई रिश्ता है जो ईश्वर ने इस जन्म में मुझे निभाने का मौका दिया है, सुअवसर दिया है जी। और मैं कर पा रही हूँ, ये प्रभु की कृपा के बिना तो मैं नहीं कर सकती, और शायद भगवान ने मुझे चुना और ये मौका दिया, मुझे सामर्थ्य भी दी। मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ एक पीजी कॉलेज में, तो जो मुझे सैलरी मिलती है, आपको बता दूं 2015 में माननीय मोदी जी ने पीएम हाउस बुलाया था, 2 बार राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति महोदय भी पुरस्कार दे चुके हैं, नारी शक्ति पुरस्कार जो पूरे भारत से मात्र 6 महिलाओं को मिलता है, वो प्रथम महिला हूँ उत्तर प्रदेश से मैं, 100 वुमेन अचीवर अवार्ड। तो माननीय मोदी जी ने मुझसे यही कहा कि आप कैसे कर लेती हैं, कुछ आर्थिक मदद? तो मेरा जवाब यही था बड़ी विनम्रता पूर्वक कि श्रीमान जब तन मन से करती हूँ तो धन, अब तो बच्चे भी बहुत अच्छे से सेटल्ड हैं, अच्छी खासी मुझे तनख्वाह भी मिलती है, और मेरा अपना जीवन तो ये है कि मुझे 2 रोटी खानी है, 2 समय में 4 रोटी खानी है, तो मैं हाथ पर रख के भी खा सकती हूँ, हथेली पर पत्तल में भी खा सकती हूँ, कुछ नहीं मिलेगा तो भी कोई बात नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि घाट पर मुझे सुबह की 8 से लेकर शाम के 4 बज जाते हैं, तो शायद पूरा दिन मैं पानी भी नहीं पी पाती, पर मैं खुद आश्चर्यचकित हूँ कि ईश्वर पता नहीं कैसे इतनी शक्ति मुझे दे पा रहा है। लोग कहते हैं आप बहुत पुण्य का काम कर रही हैं, मैं यही कहती हूँ कि मैं पुण्य का काम कर रही हूँ कि क्या कर रही हूँ ये मुझे खुद नहीं मालूम, पर हाँ एक नैतिक दायित्व और एक मेरे जो बचपन के मन में जो एक भावना थी उसको जरूर पूरा करने का प्रयास कर रही हूँ, और ईश्वर मुझे यदि स्वस्थ रखेगा और ऐसी शक्ति देगा तो मैं करती रहूंगी इस काम को। उन्हें कहीं ना कहीं जागरूकता, अगर इस क्षेत्र में नहीं तो कहीं ना कहीं और वो अपना योगदान करे। एंड थैंक यू सो मच कि आपने समय निकाला, आपने धन्यवाद, नमस्कार।